गिजर्ड एंड अर्थवर्म सर्व्स फॉर एक्सक्रीशन क्रशिंग फूड। देखिए, इससे पहले वाले पीपीटी में भी हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये दिस इज गिजर्ड, दिस इज गिजर्ड, ये टीथ है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, इसके दांत नहीं होते हैं, तो जैसे ही खाना गिजर्ड में जाता है तो ये खाने को क्रश और टियर कर देगा। तो आंसर इज क्रशिंग ऑफ फूड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 26।